नमस्कार फ्रेंड, आज मैं ट्राई कलर राखी बनाऊंगी। तो देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए आपको ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर के धागे चाहिए, और मेरे पास वाइट धागे नहीं था तो मैं वाइट ऊन से बना रही हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए राखी बनाते हैं। तो राखी के लिए इस तरह चार जो फिंगर को एक साथ करके उसको राउंड करूँगी, क्योंकि तीन साइज का हमको बनाना है वो राखी बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, तो एक ये ग्रीन कलर सबसे बड़े होंगे, इसलिए चार फिंगर को ले हूँ एक साथ, और इसको जैसे बीच में टाइट करके बांध कर उसको साइड साइड कटिंग करके देना है। देखिए, इस साइड भी कटिंग करना है, उस साइड भी। तो पहले भी एक वीडियो में मैं इस तरह बताई हूँ, ऊन से बताई हूँ, ये धागे से। तो धागे से भी बहुत अच्छे होते हैं, आप जितना धागे देंगे उतने अच्छे होंगे। तो मैं डबल डबल धागे दूँगी। तो आप अगर सिल्क का धागे होंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे। मेरे पास ऑर्डिनरी धागा था, उसी से बना रही हूँ। तो देखिए, मैं ये वाइट ऊन ली हूँ, कहीं कि मेरा वाइट जो धागे है ख़त्म हो गए, इसीलिए वाइट ऊन से बना रही हूँ। फिर कभी मैं वाइट धागे से भी बनाना सिखाऊंगी। तो धागे से अच्छे बनते हैं, लेकिन सिल्क का धागे से और ही अच्छे बनते हैं। यहाँ सिल्क का धागे बेंगलोर में नहीं मिला मुझे, तो जो मिला उसी से मैं बना रही हूँ। तो ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का जो है उसको मैं सबसे छोटा टू फिंगर से करूँगी। ऑरेंज कलर का, वाइट कलर का थ्री फिंगर से करना है, वो भी मैं दिखाऊँगी। ये पहले से करके रखी हूँ। तो ये टू फिंगर से मैं ऐसे घुमा के फिर बीच में बांध के, जैसे ग्रीन कलर में की उसी तरह दोनों साइड कटिंग करके करना है। बीच में टाइट करके बांधना है ताकि खुल ना जाए। तो इस तरह टाइट करके बांध के दोनों साइड काट दूँगी। तो देखिए फ्रेंड, इस साइड भी कटिंग कर दिए, उस साइड भी। तो इस तरह ये राखी बहुत ही आसान है, आप घर पर बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो इसके लिए बाज़ार में जाने का दरकार नहीं है। मैं ये सब क्राफ्ट जब लॉकडाउन पड़ा था तभी से कर रही हूँ। लॉकडाउन में लोग बाज़ार नहीं जाते थे, तो मैं घर पर ही सारे चीज़ बनाते बनाते आदत हो गया घर का चीज़ बनाने का। तो फिर देखिए, मेरा राखी ऐसे बनते भी बहुत सुंदर है, बाज़ार से भी अच्छा। और किसी को गिफ्ट करेंगे या पहनाएंगे तो खुश होंगे कि आप अपने हाथों से बना के उसको राखी दिया। चाहे आपका भैया अपना हो, चाहे आपके रिश्तेदार के भैया हो, कोई भी हो, तो सब खुश हो जाते हैं इस तरह राखी हाथ से बना के पहनाने से किसी को भी। तो आपको चाहे तो बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर से बनाने का खुशी अलग ही मिलते हैं। तो ये ऑरेंज का डबल बनाई, अब ग्रीन का भी दो वही सेम बीच में बांध देना है, सेम कटिंग करना है। वाइट का भी दो लूँगी ताकि उसका जो स्पॉन्जी हो, राखी मेरा स्पॉन्जी और खूबसूरत हो। तो ये बन गए राखी का बेस मेरा। आप देखिए, ये एक तो ये ग्रीन सबसे नीचे, बीच में वाइट और ऊपर ऑरेंज, और इसको मैं कैसे अटैच करती हूँ वो भी दिखा रही हूँ। तो ये वाइट थोड़ा का बोले ना, एक तरफ बना के रखी हूँ और एक बार बना रही हूँ। इसमें थ्री फिंगर लीजिएगा तो तीनों साइज का अलग अलग बनेंगे, क्योंकि दिखना है एक साइज का बनाएंगे तो ना ऑरेंज दिखेगा, ना ग्रीन दिखेगा, ना वाइट। इसीलिए तीनों साइज बनाएंगे तो तीनों देखेंगे भी, अच्छे भी लगेंगे। और उसके बाद उसको एक साइज में कटिंग भी कर देना है। तो फिलहाल अभी तो ऐसे कटिंग की हूँ, अब इसको शेप में लाना है। तो शेप में लाने के लिए मैं कार्डबोर्ड का तीन टुकड़ा तीनों साइज का कटिंग करके रखूँगी, वो भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए, दोनों बना गया। अब इसको ये ब्रश या किसी कंघी से इसको झाड़ के बराबर कर देना है अच्छे से।
और ये देखिए मेरा वो जो बैंड बनाना है, पहले जो बनाई हूँ उसी तरह चोटी जैसा, ये डबल डबल ग्रीन और वाइट का 6 ऊन ली हूँ, 6 लाइन का। अब हाथ के जिसके हैंड का साइज का एक मीडियम साइज का आप लीजिएगा ताकि सबका हाथ में हो जाए, तो आप थोड़ा नाप लीजिएगा। तो इस तरह करेंगे तो ये मैं बना रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह भी, या मौली धागे से भी बना सकते हैं, सैटिन रिबन से भी बन सकते हैं। तो मैं ये ऊन से ही बना रही हूँ, ऊन से भी बहुत सुंदर होते हैं। देखिए बन गए मेरा। अब दोनों तरफ कटिंग कर दे रही हूँ सेम साइज में, इस तरफ भी और अपोजिट तरफ भी एक साथ कटिंग करना है ताकि दोनों बराबर हो। ये भी इधर भी सुंदर लगते हैं, देखिए एक साथ जॉइन करके काटेंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। चाहे तो आप उसमें मोती भी लगा सकते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं लगाई, और बहुत कोई मोती भी लगाते हैं तो अच्छे लगेंगे, जितना डेकोरेट करेंगे उतने अच्छे लगेंगे। मेरे पास फ़िलहाल उतना मोती भी नहीं है ये स्टोन, और भी ग्रीन कलर का ब्लू कलर का स्टोन मिलेंगे तो और अच्छे लगेंगे। ये देखिए तीनों साइज का मैं कार्डबोर्ड काट ली रही हूँ ताकि तीनों ठीक ठीक साइज में बराबर दिखे और अच्छा लगे। इधर उधर जो एक्स्ट्रा है वो कटिंग करना होगा। तो तीनों साइज का इसको ले ली हूँ कार्डबोर्ड। अब इसको थोड़ा कंघी से उसको बराबर कर दे रही हूँ। इसको ज़्यादा झाड़ने का ज़रूरत नहीं, ऊन में ज़्यादा झाड़ना पड़ता है क्योंकि वो ऊन एक साथ रहता है। तो जितना हो सके उसको बराबर कर दी, और जो एक्स्ट्रा है उसको ये कार्डबोर्ड के सहारे उसको बराबर से कटिंग करूँगी। देखिए कार्डबोर्ड सेटिंग करके इसको बराबर से करना है। फ्रेंड थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया, इसके लिए इग्नोर कीजिएगा। मैं कोशिश की हूँ, बहुत मुश्किल से बनाना पड़ता है वीडियो, तो कभी इधर उधर हो जाता है तो माफ़ करना फ्रेंड, लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ सुनिएगा तो अपने आप बन जाएगा। एक्चुअली जब मैं बनाते रहती हूँ इतना कंसंट्रेट होकर बनाती हूँ कि भूल ही जाती हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस थोड़ा नीचे तरफ हो गया तो इसी तरह फिर भी दिख रहा है। ये ऑरेंज भी उसी तरह वो कार्डबोर्ड में बैठा के बराबर से कटिंग कर दूँगी। इसको सिलाई नहीं करना है, इसको फेविकॉल से चिपकाना है। देखिए इस तरह, पहले ग्रीन, उसके बाद वाइट, उसके बाद ऑरेंज, तीनों इस तरह सेटिंग करना है। अभी चिप में इसको एडेसिव या कोई फेविकॉल से ये करना है, चिपका देना है। तो देखिए ऐसे होंगे। अभी इसको ये नहीं करी हूँ, चिपकाने के बाद इसको दिन कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ देना है, नहीं तो हिल जाएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए देखिए मैं ऊपर में ये स्टोन लगा रही हूँ, और उस सबको नीचे नीचे फेविकॉल दे देना है। फेविकॉल दे सकते हैं और कोई भी अच्छे एडिसिव जैसे ग्लू गन से भी कर सकते हैं, मेरा फेविकॉल से काम चल जाता है, अच्छे चिपकते हैं। मेरे पास ये कैमलिन का एडिसिव है, ये भी अच्छा ही है वाइट ग्लू। और इसको देखिए, इसको मैं कैसे अटैच करती हूँ वो भी मैं दिखा रही हूँ। देखिए दो दो ली हूँ सबका ताकि कोई भी सुंदर लगे। इधर ग्रीन कलर का कार्डबोर्ड ली हूँ, इसको ठीक से कटिंग कर ली हूँ गोल राउंड शेप में, जो मेरा राउंड शेप में कार्डबोर्ड था उसी से बैठा के कटिंग कर ली हूँ। अब इसको यहाँ से ग्लू देके, ये कैमलिन वाइट ग्लू देके इसको एक बार अटैच कर देना है ये ग्रीन में, और उसके बाद एक वाइट छोटा सा इसी तरह कागज़ ली हूँ जो राखी का पीछे मैं टच कर दूँगी ताकि राखी खुले नहीं, और इसको इस तरह, ये देखिए मेरा वाइट पेपर। अब इसमें फेविकॉल या वाइट ग्लू कैमलिन का दे के, अब ग्लू गन है तो वो भी दे सकते हैं, मेरे पास फेविकॉल था उसी से चिपका रही हूँ। अब इसमें कैमलिन का ग्लू गन है वही दे रही हूँ, फेविकॉल नहीं सॉरी। तो अब इस पर
वाइट जो कागज़ मैं काट के रखी हूँ राउंड शेप में, उससे इसको अच्छे से दबा दूँगी। अब इसको 24 घंटे के लिए या 12 घंटे के बाद भी सूख जाएगा, तो मैं दिन भर रख देती हूँ, काम ही क्या है, तो जब ज़रूरत पड़ेगा इसलिए इसको ऐसे करके चिपका के अब छोड़ दूँगी। फिर 24 घंटा बाद वो खूबसूरत राखी मेरा रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह कितना सुंदर बन गए मेरे राखी। आप भी इस तरह बना के देखिएगा, अपने बच्चों को भी सिखाइएगा, उसे अच्छा लगेगा। मोबाइल ये सब देख के बच्चे ख़राब होते हैं, बच्चों को ये सब काज काम कराइएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड।